नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। आज अजय राय प्रांतीय भारत जोड़ो यात्रा लेकर गाजीपुर पहुंचे थे और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि मेरी यहां तो यह भाषा है बहुत लटक के झटक के चलता हुआ, इसको उन्होंने दूसरे रूप में ले लिया है। अमेठी का विकास लटका हुआ है और वहाँ गड्ढे वाली सड़कें झटका दे रही हैं। उन्होंने GST छापेमारी पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी ने GST को गब्बर सिंह टैक्स कहा था और आज इनकी वजह से दुकानदार दुकान छोड़कर भाग रहे हैं। हाल ही में मुख्तार अंसारी को ही 10 साल की सजा पर बोलते हुए अजय राय ने कहा, मैंने गवाही की जिसका परिणाम हुआ कि मुख्तार को सजा मिलेगी, मैं डरूंगा नहीं और डटकर लड़ता रहूंगा। बता दें कि मुख्तार अंसारी को अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले से सजा हुई है, जिसमें अजय राय आई विटनेस हैं और पिछले दिनों गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट में लगातार अजय राय की गवाही हुई थी। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आज ये यात्रा इलाहाबाद प्रयागराज से 11 तारीख को प्रारंभ हुई, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली होते हुए आज मेरा गृह जनपद गाजीपुर आज हम लोग यहाँ आए हैं, अपने घर आए हैं। हमारी GST जो राहुल जी ने बहुत पहले कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स GST का फुल फॉर्म है, जिसे 16 में एक डायलॉग था कि बेटा सो जाने तो गब्बर आ जाएगा, वही हाल हो जो आज के दिन में हाल हो गया है कि व्यापारी कह रहे हैं कि गब्बर आया, व्यापारी दुकान छोड़कर अपने प्रतिष्ठान को छोड़कर भाग रहे हैं। नौजवान बच्चे जो अपने भविष्य के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसमें फॉर्म में भी 18% GST लिया जा रहा है। अभी नौकरी मिली नहीं, दो पैसे की कमाई हुई नहीं और 18% की GST वो दे रहे हैं। ये नौजवान परेशान है, किसान का धान खरीदा नहीं जा रहा है, जो भाजपा के दबाव में भाजपा के जो लोग हैं उनका धान खरीदा जा रहा है, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और महिलाओं जो आज स्थिति चल रही है उनको परेशान किया जा रहा है। हमारे मजदूर अभी विंध्याचल में मैं था, वहां पर लखीमपुर खीरी का व्यक्ति आके मजदूरी कर रहा है 350 रुपए में। देखिए, ये एक मोबिलाइजेशन है, जोड़ने का काम है, लोगों के अंदर जो डर है, भय है, घबराहट है कि हम बोलेंगे तो मेरे खिलाफ FIR हो जाएगा, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, मुझे जेल भेज दिया जाएगा, इन सब चीजों का भय दूर हो रहा है। निश्चित तौर से आने वाले समय में चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसका असर जनता जब सड़क पर आएगी, जब अपनी बात कहेगी, तो निश्चित तौर से उसका पूरा जुड़ाव हमारे साथ होगा, लगाव होगा। अब वो कहते रहे कि भाई वो भी डरवाने का ही माध्यम है कि डरवा दिया जाए, धमका दिया जाए कि ये जरा यात्रा छोड़कर चले जाएं, पर उनको नहीं मालूम है कि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग गाजीपुर के रहने वाले लोग हैं, बहादुरों की धरती है ये, वीरों की, शहीदों की धरती है, यहाँ के लोग हटने वाले नहीं है, लड़ने वाले लोग। मेरे यहाँ तो एक भाषा है, का भैया बड़ा लटक के चलत हुआ, झटक के चलत हुआ। उन्होंने अमेठी के काम को लटका रखा है, जो रोजगार वहाँ फैक्ट्रियाँ थी वो लटकी हुई है, सड़कों पर गड्ढे हैं उसमें झटके लग रहे हैं, तो लटक के झटक के मैंने ये बात बोली, अब उनको ये बात बुरी लग रही है। अरे भैया, तोड़ने का काम तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।